आगरा में पुराने शहर की सिंगी गली में चूहों की वजह से 5 मकानों के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। ये मकान बेहद जर्जर स्थिति में आ गए हैं, जिनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। दीवारों और छत के जोड़ में दरारों के कारण इनमें कभी भी धराशायी होने की आशंका है। मकान में रहने वाले लोगों ने छतों को गिरने से बचाने के लिए बिल्लियों को लगा रखा है। सिंगी गली में कोरिया गली में स्थित 5 घरों की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिससे वह मरम्मत कराने में असमर्थ है। उन्होंने प्रशासन से मदद करने की गुहार लगाई है। आगरा में पुराने शहर के नाम से बसी सिंगी गली को चूहों की वजह से 5 मकान गिरने का खतरा पैदा हो गया है। ये मकान बेहद जर्जर स्थिति में आ गए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। दीवारों और छतों के जोड़ में दरार के कारण इनके कभी भी धराशायी हो जाने की आशंका है। मकान में रहने वाले लोगों ने छतों को गिरने से बचाने के लिए बल्लियां लगा रखी हैं। कोरिया गली में स्थित 5 घरों की दीवारों में दरार आ चुकी हैं। जर्जर मकानों में रहने वाले परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिससे वो मरम्मत कराने में असमर्थ है। उन्होंने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित के मुताबिक गली के पास से नाला निकला है, वहीं चूहों ने जमीन खोखली कर दी है, जिससे बारिश का पानी अंदर समाता चला गया। संभव है कोई भी यह वजह हो सकती है जिससे घरों में दरारें आई हैं। उसकी मरम्मत करना मुश्किल है, बेहद खर्चीला है। पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बेबस है। सिंगी गली में 2 फीट की गली छज्जों और छतों को रोकने के लिए बल्लियों को लगा रखा है। यहाँ रहने वाले लोगों को डर है कि कहीं हादसा न हो जाए। कितने मकान है जो गिरासू? हमारे 3 मकान है एक लेन से, और ये 2 मकान इधर को है। 5 मकानों खाली कर दिया आप लोगों ने? हाँ, खाली कर दिया भैया। हम हाँ बाहर रह रहे अभी तो। अच्छा, अधिकारी शिकायत वगैरह की है? करी हमने, कुछ हुआ नहीं अभी तक? कुछ नहीं हुआ। लड़की गई थी, विधवा लड़की हमारी, तो गई थी रोते हुए, तो यूँ कही की सड़क बनवा दें, मकान अपने पास से बनवाओ। हम मेरे पास तो है नहीं कुछ भी, हम बनवा के चढ़ा कर रहेंगे बाहर। हम तो वैसे ही गरीब हैं, आंखों से भी नहीं दिख रहा हमें तो बिल्कुल भी। संगीता, क्या क्या वजह है आप लोगों के मकान के? हाँ, अभी ये अचानक एकदम से नीचे से हल्की सी दरार है और एकदम से पलटने लगे, और इतने एक एक किलो के तो चूहे हैं, और पूरे रास्ते में चलते हैं, घर के अंदर नाखून काट के ले जा रहे हैं, कहीं किसी का कुछ ले जा रहे हैं, और अंदर ही अंदर पोल कर रहे हैं। चूहे की वजह से खोखली हो गई? चूहे की वजह से लग रही है मुझे तो। और ये गिरने स्टार्ट हो गए जी? मकान गिरने स्टार्ट हो गए, ये 5 करीब हो गए हैं। इसके लिए 5 अधिकारियों से कोई शिकायत करी है? जी, करे हैं अधिकारियों से। वो बोलते कि तुम इसको वो बनवा लो, या सड़क हम बनवा देंगे। अब ये हमें डर लग रहा है कि हम दो चारों के मकान के और ज्यादा खतरे आ गए। बस्ती में मकान, सबके मकान खतरे में है। ये नया मकान बना हुआ है? जी नए हैं सब, लेकिन इसमें भी चटकन आ गई है। अब ऐसी चटकन बढ़ती जा रही है और एकदम से खिल जा रहे हैं नीचे से। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या सर, हम लोग तो बहुत गरीब इंसान है, अब तो दोबारा बना नहीं सकते हैं कुछ, तो हम लोग के लिए तो बरसात में भर घर में हो गएंगे। हमारे छोटे बच्चे, छोटे बड़े सब बच्चे हैं, सभी मकान खतरे में हैं। साथी, क्या घटना है? तो ये किस तरीके के मकान जी? यहाँ पे चूहे के चक्कर में तो यहाँ हो चुका है सब कुछ, खोखला जो हुआ सो हुआ, 5-6 मकान जो गए सो गए, और बाकी जो नए मकान है अब वो भी जा रहे हैं। हमारे भी जस्ट 3 साल पहले ही बनाए, तो ज्यादा पुराना नहीं है, ज्यादा पुराना होएगा नहीं। क्या नुकसान हुआ जो आप भी जान सकते हो? कैसे नुकसान हुआ, क्या वजह है? चूहों के चक्कर में ही जी नली के द्वारा पानी लीक होने लगा था, हमें नहीं मालूम पड़ी, और जब बड़े बड़े वो हुए मोकले तब हमने साबुन ने भरा, तो चक्कर में ये और लीक होने लगा पानी। तो क्या अधिकारियों से आप लोगों ने शिकायत की इस बारे में? कही थी, तो वो ये कह रहे हैं पहले अपना मकान जो हो चुके हैं उनको तोड़वाओ, तब जाके हम रोड बनवाएंगे। अब आप मकान तोड़वा तो लेंगे, पर मकान तोड़ने के बाद फिर हमारा बनने का क्या हो सकता है? क्या लगता है बरसात का भी मौसम ऐसे मकान खराब है, कि मकान गिर जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है? बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत ज्यादा हो सकता था, बल्कि हम तो टाइम पे रहते हुए निकल गए तो बच गया हादसा होते हुए। देख लो अभी जस्ट इस समय भी पत्थर गिर चुका है। अब ऐसे में नया घर कैसे बनवा पाएंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है हमारी, आस्थिति इतनी खराब है हम ये भी नहीं बता सकते हम एक टाइम पे रोटी खा भी पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, बाकी योजना जुड़ा हुआ चला रहा है, तो ऐसे में लगता है आपको उसका फायदा मिलना चाहिए साथ साथ जिस तरह परेशानी है? जी मिल जाए तो और अच्छी बात है। वो 2.5 लाख वाला जो जुड़ा वो है ना, जे मिल जाए तो और अच्छी बात है सर। अच्छा,
अच्छा, इसके लिए आपने पहल की है कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया प्रधानमंत्री? अभी हमने इस चीज के लिए नहीं, हाँ प्रधानमंत्री के तरफ से मिल रहे थे 2.5 लाख रुपए, इसके लिए पहल करने की कोशिश की तो अभी कोई फायदा नहीं हुआ। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके क्षेत्र खमौली के मुड़ी में BS मार्केट फ्रेंड्स कैफे एंड रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनुअल फंक्शन, गोद भराई, ऑफिस मीटिंग के लिए संपर्क करें अपने नजदीकी फ्रेंड कैफे एंड रेस्टोरेंट पर। पता BS मार्केट, मुड़ी चौराहा, नियर बियर वाइन शॉप, जलेसर रोड, आगरा। फोन नंबर 8630188419 8218584222।